खबर नारायणबगड़ से। प्रखंड में पिछले कई महीनों से गौवंश पर लिंपी नामक बीमारी का प्रकोप जारी है, जिससे कई गौवंश असमय मौत की गाल में समा चुके हैं। विकासखंड के लगभग सभी गांवों में पिछले कई महीनों से गाय, बैलों और बछड़ों पर लिंपी नामक बीमारी का प्रकोप जारी है। इस बीमारी से अभी तक बहुत सारे गाँवों के पशु पालक कस्तकार अपने गौवंश मवेशियों को खो चुके हैं, जिसमें कस्तकार में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि जिला पशु चिकित्सा विभाग की ओर से एक सचल चिकित्सा वाहन पिंडर घाटी के तीनों विकास खंडों के विभिन्न हिस्सों में गौवंश मवेशियों के उपचार के लिए उपलब्ध कराई गई है, लेकिन यह बिल्कुल भी नाकाफी साबित हो रहा है, क्योंकि विभाग के पास वैसे ही डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की कमी चल रही है। तो इस समय लिंपी नाम की बीमारी लगभग पूरे जनपद में चल रही है। इसके लिए इलाज के लिए पशु चिकित्सक और अन्य स्टाफ की कमियों के चलते पशु पालकों को अपने मवेशी खोने पड़ रहे हैं। रविवार को पशु चिकित्सा विभाग का सचल चिकित्सा वाहन द्वारा कड़ाकोट और उत्तरी कड़ाकोट क्षेत्र में लोगों को पशुओं की दवाई वितरित की गई। सचल वाहन में उपस्थित फार्मासिस्ट व अन्य कर्मचारियों ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि जिस भी पशु पालक के मवेशियों में लिंपी बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके पशु चिकित्सालय अथवा 1962 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके शीघ्र उसका उपचार करा। कहा कि लिंपी नामक बीमारी स्थिर करने से पशु की जान जा सकती है। इस दौरान क्षेत्र के जाख, बड़गांव आदि गांव के पशुपालक मौजूद थे। गांव में यहां पशुपालन वाले आदमी आ रखे हैं, डॉक्टर सब लोग यहां पर अपने गाय को दिखाने, ऐसे ही बोला ना। गांव में लगातार जो लिंपी बीमारी फैल रही है, उसके लिए स्वास्थ्य पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक गाँव में गाड़ी के माध्यम से मोबाइल पशु चिकित्सा प्रत्येक गांव में जाकर के और उसका उपचार किया जा रहा है। और ये आप क्या क्या देते हैं सर? जो जो लंपी चल रही है आजकल, उसकी दवाइयां और इंजेक्शन, इसमें इंजेक्शन लगाते हैं और टीकाकरण भी चल रहा है। टीकाकरण अभी तक कितने गांवों में जा चुके सर, हैं सर? ये अभी हमारे पास ये गाड़ी वैसे देवाल ब्लॉक की है, तो हमें तीन ब्लॉक दिए गए, नारायणबगड़, फराली और देवा। ठीक तो सर, हम सारी जगह जाते हैं लगभग, यहाँ से कॉल आ गई इमरजेंसी सेवा हेल्पलाइन 1962। ठीक, यानी कि जो हेल्पलाइन है 1962, जिसके माध्यम से जहां पर भी कोई बीमारी फैल रही है, लंपी बीमारी की कोई दिक्कत है, तो कॉल करके ये कॉल को उठा करके वहां पर पहुंच जाएंगे। जो हेल्पलाइन दिखाई दे रही है 1962, इसके माध्यम से जो पशुपालन विभाग की टीम है, मोबाइल पशु चिकित्सालय है, वो जाकर के और वहां पर कोई अनुरोध है कि अगर किसी भी गाय, भैंस, बैल, किसी को भी कोई दिक्कत होती है, तो वो हमारे हेल्पलाइन 1962 में कॉल करें, ताकि हमारा सजल वाहन उनके घर पे जाकर उनका इलाज कर सके और उनका ट्रीटमेंट हम समय पर दे सकें। इसलिए पशुपालकों को मेरा यही अनुरोध है कि वो समय पर हमें सूचित करें और हम उनका जानवर का इलाज कर सकें। 1962 हम अभी तो देवाल में, मीन ये गाड़ी देवाल के लिए है, और जहाँ जहाँ केस आते हैं, तो अभी हम थराली भी देख रहे हैं, नारायणबगड़ और देवाल तीनों ब्लॉकों को देख रहे हैं। ये लंबी बीमारी फैलने के चक्कर से बहुत से गाँव छूट भी जा रहे हैं, क्योंकि सब जगह ये गाड़ियां होती तो उतनी दिक्कत पशुपालकों को नहीं पड़ती। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि जो जिन ब्लॉकों में नहीं है, उन ब्लॉकों पर भी 1962 सेवा दी जाए, ताकि उनको भी इसका लाभ हो और उनके जानवर स्वस्थ रहे। मेरा नाम सुरेंद्र नेगी सूरी कनेरी है, और इसमें मैं जाख कड़ाकोट के सामने हूँ, पंचखली मोटर मार्ग पे। और मैं आज वो बहुउद्देशीय शिविर विभिन्न उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयोजित, उनके द्वारा खेतों बीसी विक्टोरिया क्रॉस द्रवान सिंह जी के जो स्टेडियम है, वहां पर हम जा रहे थे। आकस्मिक पत्रकार साथियों के साथ यहां पर मुलाकात हुई। अच्छा लगा कि आपने यहां पर स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे पशुपालन विभाग के जो हमारे डॉक्टर्स है, तमाम स्टाफ लोग जो वहां पर जा रहे थे, लेकिन कुछ कारण उन्होंने देखा कि रास्ते में कोई कई यहां पर गायें हैं, तो उन पर लिंपी की जो बीमारियां बहुत दिनों से चलती आ रही है क्षेत्र में, आज तक तो हमने खैर देखा नहीं है, लेकिन इस बीमारी को देखते हुए यहाँ पर काफी मैं देख रहा था कि जो दवाएं हैं, जितना भी प्रयास ये पशुपालन विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर द्वारा कर रहे हैं, तो अच्छा लगा कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो पशु के मालिक है, यहाँ पर बहने हैं, माता हैं, मैं देखता आई, और पशुपालन विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से
यही अनुरोध है कि जब भी ऐसी बीमारी आती है तो आप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो हमारे नारायणगढ़ में बैठते हैं, आप वहां पर जाकर इस बीमारी से बचने के लिए अधिक से अधिक इसका सलाह, इसके बचने का एक सलाह ले, पशुपालन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से सलाह ले, उच्च अधिकारी का नंबर ले और 23 नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ताकि हम एक बेजवान पशु की जान को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक इस बीमारी को बचाने के लिए एक प्रयास कर सकते हैं। खबर भारतवर्ष के लिए नारायणगढ़ से चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा के। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।